पंजाब में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगने वाला है, लेकिन ये झटका ना तो अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह। असल में कांग्रेस को यह झटका बीजेपी देने जा रही है। हकीकत यह है कि पंजाब का माहौल तेजी से बदलता जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी छोड़ने और फिर नवजोत सिंह सिद्धू की कारगुजारियों से पंजाब में कांग्रेस बेपटरी होती जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के सीनियर नेताओं का पार्टी से मुंह भंग होता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले चन्नी सरकार के कई मंत्री और सांसद विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस को बड़ा झटका और बीजेपी की ताकत राज्य में बढ़ सकती है। सूत्रों की माने तो पंजाब के कई सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक समेत कई नामचीन हस्तियां बीजेपी के संपर्क में हैं। इनमें अधिकतर कांग्रेस के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनमें 4 पंजाबी गायक भी हैं जो अगले हफ्ते बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। इस बदलाव की जड़ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पद से इस्तीफा और कांग्रेस से बाहर होना माना जा रहा है। बीते दिनों कैप्टन अमरिंदर ने अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का गठन किया, जिसके बाद बीजेपी ने घोषणा की कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। पंजाब की 117 सीटों में से 80 से 85 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी 20 से 25 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। साथ ही कुछ सीटें सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी को भी दी जाएगी। जल्द ही पूरे गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।